हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, ये है अलविदा तनाव शिविर का कैंप, जो यहाँ पे GIC कॉलेज है हमारे हरदोई में, तो उसके ग्राउंड में लगाया गया था। तो ये उसका मेन गेट है, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और ये देखिए, आगे आगे गुप्ता जी जा रहे हैं, तो मैं इनको बोल रही थी गेट पे मैं खड़ी होकर एक फ़ोटो मतलब मेरी खींच दो, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। बोल रहे थे जो कुछ करना है अपने आप ही करो। तो मुझे तो करना ही था, मुझे तो वीडियो बनाना ही था, तो मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। वो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आप खुद आगे आगे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। तो मुझे तो करना ही था, क्योंकि मेरा ये काम है। और कोई जिसे होता नहीं, जिसे थोड़ा सा अगर कोई वीडियो बना ले या फ़ोटो खींच ले, तो फिर मेरी भी पिक्चर आ जाती है। लेकिन वही होता है कि मैं सबकी तो पिक्चर बनाती रहती हूँ, फ़ोटो खींचती रहती हूँ, लेकिन मेरी खुद की नहीं आ पाती है। अब आप देख सकते हैं कि मैं सारा कुछ शूट कर रही हूँ, लेकिन एक चेयर मेरी नहीं आई यहाँ पर। मुझे मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि जो सूर्य की किरणें थी, जो सूरज निकल रहा था, मतलब उगता हुआ सूरज, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं उनको बोल रही थी कि एक छोटी सी क्लिप बना दो मेरी भी, लेकिन वो नहीं सुने थे। आप देख सकते किस तरीके से आगे आगे जा रहे हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, मुझे तो ये काम करना ही है, तो जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं शूट कर लूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे बच्चे भी कुछ खेल रहे हैं, और ये पूरा कॉलेज का ही ग्राउंड है, तो यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है। तो अब चलते हैं इस कैंप के अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा कि किस तरीके से इसमें सारा मतलब कार्यक्रम रखा गया है और तैयारियाँ किस तरीके से की गई हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। और आप देख सकते हैं कि बाइक से भी लोग अंदर जा रहे हैं, और हम लोग तो खैर पैदल गए, मतलब घर से पैदल ही गए थे, क्योंकि सुबह सुबह टहलते हुए जाओ ना तो अच्छा लगता है। और ये देखिए, मतलब ये गेट पे लिखा हुआ है, गेट जो बनाया गया ना, इस पे लिखा अलविदा तनाव और सारा कुछ लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये टोकन जैसे मिले थे ना, छोटे छोटे कार्ड होते हैं, तो एक जो है भरने के लिए मिल रहा था, एक अपने पास रखने के लिए, उस पे चार लाइनें लिखी हुई थी, और एक भर के वहाँ पे जमा करना था। तो जो जमा करने वाला था, ये देखिए आप, ये ऊपर वाला कार्ड भरने के लिए दिया है और नीचे वाला कार्ड अपने पास रखने को मतलब रखने के लिए दिया है। तो इस पे इस तरीके से चार लाइनें भी लिखी हैं। तो ये जो भरने वाला कार्ड था ना, मैंने गुप्ता जी को दे दिया था, तो वो अपना भर के बाद में जमा कर देंगे, क्योंकि मुझे शूटिंग करनी थी, तो मैं मतलब शूटिंग करते हुए आगे निकल गई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से शिवलिंग रखा है, नंदी बाबा की मूर्ति रखी हुई है, और छोटा सा दान पात्र भी रखा है, जो भी अपना दान करना चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से ये कैंप लगाया गया है, तो कुर्सियाँ भी पड़ी हैं, और आगे जो है जो लोग ज़मीन में बैठना चाहे, मतलब नीचे बैठना चाहे, वो ज़मीन में भी बैठ सकते हैं, कि गद्दे वगैरह पड़े हुए थे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से सारा इंतजाम किया गया है। और ये मैं आगे आके थोड़ी सी शूटिंग करने लगी थी। तो आप देख सकते हैं, जैसे घर में रहो ना, तो घर में तो 500 काम निकल आते, ये काम वो काम, लेकिन टाइम निकाल के अगर थोड़ी देर आप घर से बाहर निकल आते हैं ना सुबह, तो फिर बिल्कुल जैसे नहीं, पूरा तनाव चला जाता है, पूरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। दैनिक जीवन से जुड़ी बातें, प्रश्न उठते हैं, कोई क्रोध कर रहा है तो घर में कब तक क्या करूं, कितना सहन करूं, जो भी प्रश्न उठते हैं हमारे कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, कि विपरीत परिस्थिति, अचानक मेरी एग्जाम आ जाए, जीवन में परीक्षा आ जाए, कैसे फेस करूं, कैसे मनोबल बनाए रखूं, सबका समाधान बाबा आपको मुरली में देंगे। स्क्रीन को बंद करवाओगे तो फिर सब उधर देख रहे हैं, तो सुन ही नहीं रहे। तो आज से, जैसा भाई साहब ने आपको स्टार्टिंग में कहा, ये एंड है तनाव का, समापन है डिप्रेशन वाली जिंदगी का, पर आज से आपकी आध्यात्मिक पढ़ाई, स्पिरिचुअल स्टडी प्रारंभ हो रही है। तो आध्यात्म की पढ़ाई का फर्स्ट डे आज है, और कितने भाग्यवान हैं आप जो भगवान के द्वारा सुनाया ज्ञान सुनेंगे। अभी मैं शुरू करूंगी, उसके पहले दो चार बात जरूरी बताना। हमारे ब्रह्मा कुमारी तो आपको बताया 1936 में इस्टेब्लिश हुई, आज 85-86 ईयर्स हो गए।
लाखों भाई बहन, लाखों विश्व के अंदर नियमित आश्रम सेंटर पे आते हैं, एक घंटा मुरली सुनते, मेडिटेशन सीखते हैं, फिर अपना जो भी उनका कारोबार है वो करते हैं, आत्मा में भर जाए। ये 10-15 दिन के एडवांस कोर्स की बात नहीं है, मिनिमम 15 दिन इसलिए रखा कि थोड़ा तो आप टेस्ट करें। बाकी मेरा ऐसा पर्सनल निवेदन है, मिनिमम 2-3 महीना इतना ऊंचा ज्ञान, और वो भी निशुल्क मिल रहा है, तो इसको जीवन में अनुभव एक्सपेरिमेंट करने में कोई नुकसान नहीं है। 2-3 महीने बाद आप जज करिए कि मुझे क्या करना है, लाइफ का एक हिस्सा बनाना है। और मैं आपको बता रही, 2-3 महीना आप सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे जीवन में एक नई रोशनी, नई ऊर्जा आ गई। कहां भटक रहे थे हम, और बाबा ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। मीठे भाई बहनों, दुनिया का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं, आध्यात्म जगत का या हमारे व्यवहारिक जगत का, डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आती है, लोग जा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब एंजाइटी है, क्या करूं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स कह रहे हैं तो है, क्या करेंगे। तो इन चीजों का फिजिकल जगत पे कोई भी आंसर नहीं है। वो आपकी डायबिटीज ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई दे सकते हैं, हार्ट की दवाई दे सकते हैं, एसिडिटी, माइग्रेन ये दे सकते हैं, एंजाइटी कम हो जाए, डर कम हो जाए, जीवन में उत्साह आ जाए, उसकी दवाई है बाबा का ज्ञान। और हमारे यहां, मैं आपको बताऊं, एक दिन बताया भी था, स्पेशल डॉक्टर्स की एक टीम है माउंट आबू में, उसमें हार्ट के, कैंसर के, डायबिटीज के स्पेशल डॉक्टर्स, पूरा हमारा मेडिकल विंग है। तो हार्ट पेशेंट्स पर ये रिसर्च किए जो कार्डियोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, हजारों हार्ट पेशेंट की ब्लॉकेज, जिनकी 80% धमनियां ब्लॉक थी, पर मुरली सुनते सुनते, मेडिटेशन सीखते सीखते, सात्विक अन्न खाकर, जीवन शैली को आध्यात्मिक बना के, हजारों भाई बहनों की जो हार्ट की ब्लॉकेज थे वो ओपन हो गए, खुल गए। और सिर्फ भावनात्मक बात नहीं कि दीदी ने कहा तो खुल गए, प्रूफ साइंटिफिकली, जो अपने पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैंने साइंटिफिकली इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, सिर्फ इंडिया से नहीं पूरे विश्व से माउंट आबू में रिसर्च पेपर सहित देखने के लिए आए, साइंटिफिकली प्रूफ कि पहले कितना ब्लॉक था मेडिटेशन और मुरली सुनने से, ब्लॉकेज खुल गया। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हम तो जाते हैं ना, सब क्लोज हैं, हमने भी उस कैंप को अटेंड किया, मैंने कहा देखो सही क्या होता है, कैसे ब्लॉकेज खुल रहे हैं मुरली सुनने से। तो एक ही बात उन्होंने सुनाई, वो जो डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर गुप्ता जी, मुरली को वो क्या करते, पेशेंट को बोलते, ये मुरली जो होती है ना, दीदियां आपको पॉइंट्स लिखाएंगे, फिर कुछ दिन होंगे तो आपको भले प्रिंटेड कॉपी मिलेगी, तो
मुरली को वो लोग क्या करते हैं, हार्ट पेशेंट जो मुख्य मुख्य 5-7 बातें उनको बहुत अच्छी लग रही है उसको वो लिख लेते कागज पर, अंडरलाइन कर लेते, दिन में कई बार उसको पढ़ते। तो वो डॉक्टर साहब ने हमको सुनाया, जैसे जैसे मुरली की लाइन अंदर जाती जाती है, पॉजिटिव विचार, आनंद के विचार, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले विचार, जीवन को निश्चिंत बनाने वाले विचार अंदर जाते, ब्लॉकेज क्यों हुआ? डर के विचारों से, ईर्ष्या, बदले की भावना, ब्लॉकेज खोलने के लिए अच्छे विचार जाते जाते बाबा की किरणें, वो प्रकाश अंदर जाता है और धमनियां साफ होती है। और भी बहुत सारी बातें, वो सब आप अब समय प्रति समय मुरली में सुनेंगे। तो आज अभी हम प्रारंभ करते। कई भाई बहन पूछते, दीदी रोज एक जैसी चलेगा क्या? जैसे स्कूल में होता ना एक जैसी प्रेयर करनी है, तो यह एक जैसी मुरली नहीं चलेगी। हर दिन नया, नए नए टॉपिक्स पे बाबा आपको समझाएगा। समझ रहे? तो मीठे भाई बहनों, बहुत खुशी में ताली बजाए, आपकी आध्यात्मिक पढ़ाई का फर्स्ट डे आज प्रारंभ हो रहा है। कल से जो लिख सकते नोटबुक पेन अवश्य लाए, ये पढ़ाई है। अभी तक शिविर था, जो मुख्य पॉइंट है वो दीदी आपको नोट करवाएंगी, ताकि आप सारा दिन उसको क्या करेंगे, रिवाइज। तो चलिए सभी संकल्प में बैठे, मैं आत्मा शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूं। ये महावाक्य मेरे तन और मन के लिए औषधि है। आज सारी मुरली खुद को आत्मा समझ के काम करोगे कि मैं एक लाइट हूं, एक प्रकाश, तो उसका क्या फायदा। तो मैं शुरू करती हूं, प्यार से बोले ओम शांति। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जो ये विचार सुने तो आप लोग भी इन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो बार बार चला के देखिएगा, और इसको एब्जॉर्ब, मतलब इस पे गहराई से सोचने की कोशिश करिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं जो कि हमारे हमारी लाइफ को एकदम चेंज कर देती हैं। और अगली वीडियो में आपको मुरली सुनने को मिलेगी, यानी कि स्पिरिचुअल ज्ञान होता है वो आपको सुनने को मिलेगा। और हमारे जीवन में ये सब सुनने से ना काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है, और हमारी सोच में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगली वीडियो में जो आपको सुनने को मिलेगा वो है स्पिरिचुअल ज्ञान, यानी कि मुरली सुनाई जाएगी, बाबा की मुरली। तो आप उसको भी ज़रूर सुनना और देखना कि आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं उसको। मतलब ये होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं ना तो उसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूर कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।